दोस्तों अभी जो आप ये देख रहे हो मेरे फ़ोन में, ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं इस फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि अगर मैं उसके बाद कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी रील्स डालूं अपने फेसबुक पेज पर, तो मुझे उसका पैसा मिलने लगेगा। तो अभी के डेट में क्या हो रहा है दोस्तों, कि अभी काफ़ी लोग अपना फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और जो भी वो पोस्ट डाल रहे हैं, जो भी रील्स डाल रहे हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी अपने फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करोगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन करने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज दिखा देता हूं। अगर आप अपने प्रोफाइल में आते हो तो यहां पर देखिए आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक्ड है, ठीक है। यहां पर आपका जो है वो फ्रेंड्स दिखेगा, अगर यहां पर नीचे आओगे तो ये सब जो है वो फ्रेंड्स दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप पेज में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको ये जो फ्रेंड्स हैं वो फॉलोअर्स में बदल जाएंगे, ठीक है, आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप ऐड फ्रेंड जो देखते हो, यहाँ पर अगर हम व्यू एज में आते हैं तो यहाँ पर जो ऐड फ्रेंड किसी को दिखाता है तो ये ऐड फ्रेंड यहाँ से हट जाएगा और फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जो ये आपका प्रोफाइल लॉक है इसको अनलॉक करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग में, यहां पर सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर ये जो देख रहे हो प्रोफाइल लॉकिंग, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि जब तक आपका प्रोफाइल लॉक रहेगा तब तक आपका जो प्रोफाइल है वो पेज में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जो पेज होता है वो मतलब कि पब्लिश हो जाता है, पब्लिक पूरा कोई भी देख सकता है आपके पेज को, कोई भी अंदर का जो भी कुछ डाल रहे हो वो कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ता है। तो यहां पर अनलॉक की ओर प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे और ये मेरा जो फेसबुक है प्रोफाइल वो अनलॉक हो चुका है। यहां पर देखिए ओके पर क्लिक कर देंगे, अब यहां पर लॉक का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखिए यहां पर रिफ्रेश कर देंगे तो ये लॉक का ऑप्शन हट चुका है। अब यहां पर आपको क्या करना है, अपने फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर सिंपल जैसे कि आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर बैक आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका फोटो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको अपने नाम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नाम पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये साइड में जो 3 डॉट दिख रहा है आपको इस 3 डॉट पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टर्न ऑन का एक ऑप्शन दिख जाएगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपको बताएगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो फॉलोअर्स में बदल जाएंगे और आप अपने पेज का जो एनालिटिक्स है वो सब कुछ देख सकते हो अपने फेसबुक का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट करना है। ये सब कुछ आपको बता रहा है कि यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ जो है वो आपका पब्लिक हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ आपका पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो कि जो भी आप पोस्ट वगैरह डालोगे वो सब पब्लिक रहेगा, ठीक है। जैसे कि पोस्ट हो गया, स्टोरीज हो गया, रील्स डालोगे तो वो सब पब्लिक रहना चाहिए। अगर यहां पर आपका फ्रेंड्स है या फिर वो ओनली मी है तो आपको यहां पर पब्लिक करना जरूरी है। आपको इसके लिए एडिट सेटिंग में जाना है और यहां पर सब पब्लिक, जितना भी आपको ये पब्लिक दिख रहा है ना आपको ये भी करना है, जो जो सेटिंग है यहां पर सबको आपको पब्लिक कर देना होगा, क्योंकि पेज में क्या होता है ना कि आपके पेज का हर कुछ आपके ऑडियंस देख सकते हैं। जैसे कि फेसबुक में होता है आपके वीडियोस, आपके पोस्ट सब कुछ देख सकते हैं, वैसे ही फेसबुक पेज में होगा, ठीक है। तो यहां पर सब जो है आपको ऑन कर देना है और पब्लिक पब्लिक कर देना है, जिस तरह से मैंने यहां पर कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर ये रिव्यू वगैरह हो गया, अब सिंपल यहां पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे और ये देखिए आपका जो पेज है वो मोनेटाइजेशन हो जाएगा। ये मोनेटाइजेशन टूल है और यहां पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखिए स्टार्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप मोनेटाइज हो जाएगा तो स्टार्स मिलेगा, बोनस मिलेगा, सब्सक्रिप्शन ये सब कुछ जो मिलेगा, इन स्ट्रीम एड्स मिल जाएगा, ठीक है। आपकी वीडियो पर स्ट्रीम एड्स चलने लगेगा, ठीक है। आपका जो रील्स डालोगे उस पर एड चलेगा तो आपका जो पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये जो है वो एलिजिबल अभी नहीं है, जैसे कि एलिजिबल होता है जो कि इसका जो टर्म्स कंडीशन होता है फेसबुक का वो करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये मेरा जो प्रोफाइल फ्रेम है वो कुछ इस तरह से देखिए आ चुका है। देखिए यहाँ पर प्रोफाइल फ्रेम आ चुका है। अब
सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए ऐड फ्रेम ऐड शेयर अपडेट टू फीड, मतलब कि अगर आप इस फ्रेम को अपने फेसबुक पेज पर यानी कि जो अभी पेज में कन्वर्ट कर रहे हो वहाँ पर पोस्ट के रूप में डालना चाहते हो तो आप इसे टिक कर दो, अगर नहीं चाहते हो तो यहाँ पर इसे अनटिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्किप करूँगा अभी, ठीक है। आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको गो टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है, आपका जो है वो प्रोफाइल जो है वो चेंज हो जाएगा और ये सब कुछ आप देख सकते हो। ये देखिए आपका जो बायो है और ये सब कुछ जो है वो आप ऑन कर दो, इस तरह से टिक कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी डैशबोर्ड हो गया और ये आपका जो प्रोफाइल है वो हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है पेज में। ये देखिए यहाँ पर आपका फॉलोअर्स दिखाने लगा, देखिए पहले क्या दिखा रहा था, फ्रेंड्स दिखा रहा था, लेकिन फॉलोअर्स दिखाने लगा है, 1.5K फॉलोअर्स यहाँ पर हो चुके हैं। मतलब कि आपके पास जितना भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आया होगा ना वो सब मिला जुला कर बता देता है आपका फॉलोअर्स, ठीक है। और अगर आपका कोई फेसबुक देखेगा तो उसको किस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक कर दो और व्यू एस में आ जाना। अगर आपका कोई फेसबुक का नाम सर्च कर देखता है तो कुछ उसको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए पहले ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा था लेकिन अब फॉलो का ऑप्शन आएगा, वो अब आपको फॉलो कर सकता है, आपको फ्रेंड नहीं बना सकता है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर सारा आपका जो है वो डिजिटल क्रिएटर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, जो भी वीडियो डालोगे, ये देखिए जो भी वीडियो डालोगे वो सब कुछ जो है यहां पर दिखने लगेगा, ठीक है। अबाउट वगैरह कोई भी देखेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कुछ इस तरह से आसानी से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर सकते हो और आपका जो है वो पैसा बनना शुरू हो जाएगा जो भी वीडियो पोस्ट डालोगे। तो कैसा लगा ये ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।